दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में देखते हैं कुछ नए टैग। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने टैग बताए थे, तो इस वीडियो में चलिए कुछ नए टैग फिर से बताने वाला हूँ आपको। ये है आउटपुट और ये है हमारा कोड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही टैग है DFN। DFN मीन्स डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ TW और सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे TW लिखा हुआ आ गया है। तो उसका एक एट्रीब्यूट है टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आप लगा लीजिए टीचिंग वेब, TW4 शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म यहाँ पे आपको टाइटल में लिखना है। सेव करके इस पे ऊपर जब भी आप होवर करोगे माउस, तो यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएगा। ये टीचिंग वेब लिखा है, आपने कहाँ लिखना है, ये टाइटल एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो उसके जैसा भी एक और टैग है ABBR, एब्रीवेशन टैग, ठीक है। तो उसमें भी आप ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट फॉर्म है वो टैग में लिखना है, टाइटल में फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। सेव कर लीजिए, रिफ्रेश करिए, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप इस पर होवर करोगे, माउस ले जाओगे अपना कर्सर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए, ठीक है गाइस। और इसको अभी मैं निकाल देता हूँ। तो ये दो टैग थे। उसके बाद आता है KBD। KBD KBD यानी कीबोर्ड टैग, कीबोर्ड। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे KBD में लगा लेता हूँ CTRL, CTRL प्लस सी, यहाँ भी कंट्रोल सी हो गए ना इसका मतलब, ठीक है। अब सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए कंट्रोल सी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो पहले ये पैराग्राफ ले लेता मैं, पैराग्राफ में मैं लोरियम इप्सम की जो डमी टेक्स है वो लगा लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लेता हूँ और KBD को यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करके यहाँ पे डॉलर के बाद में इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड की कोई भी शॉर्टकट है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि व्यू भी आप कर सकते हैं यहाँ पे सेट करके, ठीक है। और उसके जैसा ही एक है कोड, कोड एक टैग है, टैग का नाम है कोड। कोड में भी आप लगा लीजिए CTRL+V, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करिए, वैसा ही वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले इसको निकाल देता हूँ ताकि आपको दिख सके, ये देखिए Ctrl+V दिख रहे हैं। और एक और टैग है, ठीक है, मार्क टैग। मार्क टैग से क्या होता है, चलिए मैं जो ये लोरियम है इसको मैं मार्क टैग से कवर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो जाएगा, लोरियम है वो हाईलाइट हो जाएगा। मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर कोड के अंदर भी मैं मार्क लगा लेता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये देखिए। सेव करके रिफ्रेश, ये हो गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आता है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट का क्या मतलब है, जो आप थॉट भी लिखना है आपको, ठीक है, ब्लॉक कोट टैग है, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको थॉट भी लिखना है। मैं ऐसे ही कुछ नॉर्मल टाइप कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहां से पहले से ये स्पेस लगा देता है अपने आप ही, ठीक है। यह है ब्लॉक कोड, ठीक है, ये नॉर्मल टैग है। और उसके जैसा ही एक क्यू टैग है, इसको आप कोड टैग बोल सकते हैं, सिर्फ कोड टैग, ठीक है। और यहां पे मैं लिख लेता हूं दिस इज सबलेम टेक्स्ट फॉर, ठीक है, क्यू टैग में। तो यहां पे देखिए इस पे कोट आ जाएगी यहां पे, ये देखिए, ठीक है, अपने आप ही इसके कोट ले लिए, ये देख सकते हैं आप, ठीक है गाइस। तो ये था ब्लॉक कोट और कोट टैग है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसके, ब्लॉक कोट का क्यू, ठीक है। और उसके बाद आता है एस टैग। एस का मतलब होता है स्ट्राइक टैग, ये देखिए स्ट्राइक लिखा है और उसके ऊपर आप देख सकते हो, ये देखिए। तो किसी भी ऑनलाइन परचेसिंग चीज वेबसाइट है
उसमें आपको ऐसा दिख सकता है RS 500 और यहाँ पे लिखा होता है 300, यानी कि इसकी जो प्राइस है वो 500 नहीं है, 300 है, ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है। और उसके जैसा ही एक डेल यानी कि डिलेट टैग, यहाँ पे ऐसे है, वहां पे मैं डेल लगा देता हूँ, डिलेट टैग, डिलेट टैग है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, सेम टू सेम किसी भी वर्ड पे स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है, जैसे मिटाने की हमने कोशिश की हो। ओके, तो ये था एस टैग और डिलेट टैग। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट टैग तो सिर्फ नॉर्मल ही है, INS लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ इंसर्ट, जब देखेगा इंसर्ट टैग है, ये सो नॉर्मल टैग है, ऐसे अंडरलाइन आ जाएगी और सिर्फ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने आपको डिफाइन टैग, एब्रीवेशन टैग, कीबोर्ड टैग, कोड, ब्लॉक कोड, क्यू, मार्क, एस टैग और डिलीट इंसर्ट टैग समझा दे दिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में नए टैग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद।